यहाँ से देख सकते हो आप, ग्राउंड दे रखा है भाई। और ये जो बैटरी से माइनस जा रही चीज होने वाली भाई, बहुत ज्यादा तगड़ी, मतलब 40 सीट के आसपास लगेंगे, 40 सीट पूरी गाड़ी में। इधर देख सकते हैं कि भाई इसमें फ्यूज ऐड कर दिए गए हैं, जो कि ये अपना क्लेरन का 4 चैनल है। ये नहीं चेंज करेंगे तो मजा नहीं आएगा। चीजें में देखा होगा ना, फिर इसको ऐसे ऊपर करो और ये निकल गए। वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो गाइस जो आज की वीडियो है ना, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है भाई। मतलब हाईलाइट्स देख लिए होंगे ना तो आपको मजा आ गया होगा। तो भाई अब मैं बताता हूँ बिना किसी देर के, मतलब ज्यादा बात नहीं करते भाई। जो काम है ना, जो मेन चीज है, जो है तगड़ा, वो दिखाते हैं भाई जल्दी से। तो भाई सबसे पहले देखो, ये i20 हमारे पास आई है भाई, पूरा ऑडियो सेटअप होने। इस i20 का भाई रिव्यू व्लॉग भी हमने डाला था अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसमें बिग 3 हो चुकी, क्योंकि इसमें इतना हाई एंड सेटअप लग रहा है भाई। अपना इसमें 2000+ RMS का ऑडियो सेटअप लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। वो सब चीज़ें चेक कराऊंगा, यहाँ से देख सकते हो आप, ग्राउंड दे रखा है भाई। और ये जो बैटरी से माइनस जा रखा है, ये अपना इंजन में, और यहाँ से अल्टरनेटर से प्लस आ रहा है अपना बैटरी में, जो कि बैटरी भाई डायरेक्ट चार्ज होगी। बिग 3 के बारे में आपको बहुत बार बताया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है सही से। तो ऐसे कुछ बिग 3 होती है, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जिसकी गाड़ी में अगर भाई जो छोटा मोटा 1000 RMS तक का सेटअप लग रहा है, या उसको मतलब थोड़ा लगता है कि भाई बैटरी मेरी ख़राब ना हो, तो वो ये चीज़ करा सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि भाई अपनी बैटरी ज़्यादा चार्ज होती रहेगी और लाइफ अच्छी बनी रहेगी। तो मैं यहाँ से चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि देखो, ये अपनी भाई i20 है, यहाँ पे इतना सारा कुछ सामान रखा हुआ है। और अगर मैं इधर से दिखाऊँ तो ये चीज़ होने वाली भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी। मतलब लोग भाई गाड़ी में फ्लोरिंग कराते हैं, यहाँ पूरी गाड़ी डैम्प करा दी है। मैंने पहली बार ऐसे देखी है कि भाई गाड़ी कुछ ऐसे डैम्प होती है फ्लोरिंग पे। और डोर वगैरह तो देखो अपने हो जाते हैं 2 से 4 सीट में, बाकी इसमें देखो भाई कितनी सारी सीट लग चुकी है। और हमारे साथ है प्रतीक भाई और हमारे भाई गौरव भाई, जिनकी गाड़ी है। तो भाई तो पहले तो माइक लो। पूरी गाड़ी क्या है ना अभी, अच्छा भाई पूरी गाड़ी हमने खोल ली है, हाँ फिटिंग सारी खोल ली है, डैम्पिंग कर रहे हैं पूरी गाड़ी, चारों दरवाजे, फ्लोर, बूट, रूफ, सब सब। मोटा मोटा आपके 40 सीट के आसपास लगेंगे, 40 सीट पूरी गाड़ी में। और इसके बाद अगर हम बात करें वायरिंग की, बिग 3 हो गई गाड़ी में, बिग 3 हो गई, 3 amp की वायरिंग होगी, बैटरी रखी जाएगी यहाँ पर, बैटरी भी रखी जाएगी। और ये वाली भाई अच्छा 100 AH की, 100 AH की, और हाँ, और ये उसका दोनों ऊपर और 3 amp की प्लेसमेंट होगी। 4 सिल्वेस्टर लगेंगे, 2 और 4 बुलेट टूटर, और मिड रेंज भाई। मतलब इतना सारा सेटअप ने देखो, यहाँ पे ये सब कुछ रखा हुआ है भाई, प्रोसेसर वगैरह अपने डेव बोन्स के, बहुत चीज़ें हैं। एक एक करके जब मैं दिखाऊंगा आपको, जब भाई इसमें इंस्टॉलिंग होगी, अभी नहीं दिखाएंगे कुछ भी, क्योंकि सामान एक से एक लाए हैं गौरव भाई। तो भाई का बहुत ही ज़्यादा तगड़ा शौक है, मैं तो भाई ये देख के हिली गया जैसे मैं अभी आया कि भाई ये क्या हो रहा है। देखो पूरी गाड़ी खोल रखी है। और भाई ये अपने INDK के अपने 2000 RMS के है ना, ये 850 मगर ये 2000 से पार ही मारेंगे, पार ही मारेंगे है ना, बहुत ज्यादा बढ़िया बसते हैं। अरे अपने वाइपर ऑडियो की पेटी है। तो भाई जैसे जैसे आगे प्रोसेस होता है, मैं आपको और चीजें भी चेक कराऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो भाई डैम्पिंग पूरी छत पे हो चुकी है, अपने रूफ पे और फ्लोर पे सही से। देखो कितना ही भाई मस्त लग रही है, यहाँ पे हमारे अनुज भाई कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये अपने डोर पे भी होगी, फिर मैं आपको और चेक करा दूँ। अपने फ्रंट में वायरिंग है, जो कि भाई अंदर जा रही है, जो बैटरी से पावर मिलेगी। इधर देख सकते हैं कि भाई इसमें फ्यूज ऐड कर दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हो भाई कितने ही ज़्यादा बड़े बड़े फ्यूज़ हैं। और बाकी यहाँ पे पेटी का काम चल रहा है, जो कि सीट के पीछे अपनी जो फट्टा लगेगा उस पर सारे एम्प लगेंगे। और एम्प भी मैं आपको दिखाऊंगा भाई, बहुत मस्त मस्त एम्प है। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ भाई, गाड़ी फुल डैम्प वैम्प हो चुकी है, देख सकते हो भाई आप, डबल लेड डैम्प अपनी गाड़ी हो चुकी है। यहाँ पे सिल्वेस्टर भी भाई लग चुके हैं, जो कि देखो अपने चारों डोर में भाई सिल्वेस्टर लग रहे हैं, जो कि अपने सबको ही पता होगा डैपबोन्स के एपोकलिप्स सिल्वेस्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा भाई लाउड है अपने सेगमेंट में, और इनका नाम भी बहुत है। और मैं इधर दिखा देता हूँ, यहाँ पे भाई देखो पूरा ताम जाम पड़ा है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई अपने रॉकफोर्ड का कुछ ऐसे एम्प है जो लगेगा इसमें, इसकी हल्की सी झलक दिखा देता हूँ। देखो भाई कुछ ऐसा एम्प है जो अपना ये 4 चैनल है, और एक क्लेरन का ये रहा भाई 4 चैनल। देखो कितना ही ज़्यादा बड़ा एम्प है भाई, देखो ये अपना क्लेरन का 4 चैनल एम्प, और इसमें एक मोनो भी लगेगा। और यहाँ पे भाई इसका देख सकते हैं आप भाई डेव बोन्स का मसाटे सीरीज अपना DSP भी रखा हुआ है, जो कि ये रहा। ये भाई बहुत तगड़ी चीज़ रहने वाली, देख सकते हैं आप कितनी सारी भाई इसमें RC लीड लगने का ऑप्शन है, ये बहुत मस्त रहने वाला है। बाकी भाई ने बोला है कि इसको भी लगाएंगे, और जो इसकी भाई हेड यूनिट है वो लग चुक, वो ये रही इसकी भाई हेड यूनिट लग रही है नाकमीची की, जो अपनी कंपनी वाली है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ये देख सकते हो। और भाई इसमें ये नाकमीची लग रही, क्योंकि भाई जब तक ये नहीं चेंज करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा आउटपुट में। और गाड़ी मैंने आपको दिखा दी थी कि भाई कुछ ऐसे पूरी अपनी गाड़ी डैम्प हुई है, छत वगैरह भी देखो इसकी वापस लगा दी गई है, और अपनी पूरी गाड़ी डैम्प हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैट वगैरह वो कंपनी के जो लगे होते हैं पहले की फ्लोरिंग, ये कर दी गई है वापस। और आप सामने देख सकते हो कि भाई पूरे पैनल वगैरह सब कुछ खोल दिए, क्योंकि
यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये भाई इसलिए खोला है ताकि यहाँ से अपने भाई जितनी भी आरसी लीड है, और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आरसी लीड भाई देखो तीन आरसी लीड डली हुई है, तीन नहीं भाई देखो चार हैं, अपने चार आरसी लीड डली हुई हैं, और जो अपनी सेपरेट वायर हैं वो भाई यहाँ से जा रखी हैं, जो कि अपनी बैटरी वगैरह की होगी, ये तीन, और भाई ये डोर में से आ रही है, और उस साइड से भी देखो बिल्कुल ऐसे भाई, बहुत ज़्यादा क्लीन सेटअप रहने वाला है ये, और मैं आपको चीज़ें चेक कराऊंगा धीरे धीरे। और भाई देखो इसके अभी ना इधर पिलर नहीं है, और वो क्यों नहीं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भाई इसमें लग रहे हैं बुलेट ट्विटर, वो भी देखो ये वाले जो कि अपने मैक्सोलिंग के बुलेट ट्विटर लग रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ट्विटर्स, जो कि भाई अपने कुछ ऐसे हैं देखो। और ये भाई फिटिंग आप देख रहे हो यहाँ से, मतलब ये चीज़ है भाई, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये ऐसे फ्री है, ये यहाँ से अभी ये वाला नट खुलेगा और ये ऐसे लग जाएंगे, जैसे कि बहुत लोगों ने देखा होगा कि ये ऐसे फिट हो जाते हैं भाई, बिल्कुल जीरो जीरो फिटिंग आएगी इसकी आगे। तो आप ये देख रहे हो कि भाई यहाँ पे भी ब्लू ब्लू क्या लग रहा है, तो भाई ये ना इसे पानी लगने से बचाएगा पूरे, मतलब जो अपना ये मिड है इस पर कहीं पे भी पानी नहीं लगेगा, अगर बाय द वे कल से यहाँ से भी या बाहर से पानी वानी जाता है तो इस वजह से। आगे जो भी प्रोसेस होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा भाई इसके साथ में आया है जो इसकी भाई ये पोर्ट्स हैं, कंपनी से आते भाई बिल्कुल तगड़े, और यहाँ पे देख सकते हो भाई ऐसे ही कुछ फिट हो जाते हैं, देखो बिल्कुल जीरो जीरो फिटिंग आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बाद में वो लग जाएगा और फिटमेंट हो जाएगी पूरी पूरी गाड़ी में। भाई तेजी से काम चल रहा है, कोई वहाँ पे लगा हुआ है भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो भाई अब बताता हूँ कितना काम गाड़ी में हो गया और कितना नहीं। सबसे पहले टाइम देखते हैं भाई की गाड़ी में, भाई टाइम बताओ 11:00 बज गए, मतलब भाई पूरे। तो देखो भाई यहाँ पे अपनी बैटरी भी रख दी गई है और यहाँ पे अपने एम्प वगैरह भी लग गए, देखो तीन एम्प लग रहे हैं इसमें। मोटा मोटा मैं ये बता दूं भाई पूरी गाड़ी डैम्प तो हुई, और साथ में जो अपने ये वाले आप पैनल देख रहे हो ना ये सारे डैम्प हुए हैं, अपने डोर वगैरह हो गए गत्ते भाई बिल्कुल पत्थर हो गए अब ना अपने पूरी गाड़ी डैम्प है, जो अपने ये है ना ये प्लास्टिक के इन पे भी भाई डोर पैनल है, इन पे भी डैम्पिंग हुई है। और भाई ये चेक करो यहाँ पे अपने डोर पे दोनों साइड अवतार के लग चुके हैं ट्विटर, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो भाई पिलर पे भी लग चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं देखो। बाकी सही से मैं आपको पूरी दिखा दूंगा गाड़ी जब हो जाएगा, यहाँ पे अपने नाकमिति की स्क्रीन भी लग चुके हैं बिल्कुल परफेक्टली, काम भाई चल ही रहा है टाइम, यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। और आगे से अभी सब कुछ ऐसा ही, क्योंकि लास्ट मेन काम बचा है, यहाँ पे देख सकते हो भाई सब कुछ फैला हुआ। अभी अपने क्या है कि ये पोर्ट्स भी रह रहे हैं देखो, इनमें कुछ ऐसी वायरिंग हो गई है, जब इनमें ये फिट हो जाएंगे ना और किस तरीके से होंगे मैंने आपको दिखाया था, फिर आगे मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ से बस कुछ नहीं करना भाई, जो ये अपने तार वगैरह ये अपने पॉजिटिव में लग जाएंगे और सारा सिस्टम हो जाएगा चालू। पीछे तो बैटरी रख दी है, और यहाँ पे तो भाई यहाँ पे कुछ एम्प वगैरह लग रहे हैं, ये अपना फोर चैनल भाई, ये फोर चैनल है, ये अवतार का मोनो है, ये अवतार का मोनो है। अच्छा, ये चारों मिड रेंज चलाएगा, ये दोनों ऊपर चलाएगा, ये रॉकफोर्ड प्राइम का है आपका चार चैनल भाई, ये पहली बार देखा है मैंने और व्यूअर्स ने भी, तो इसके बारे में थोड़ा बता दो जब बसता हूँ दिखाएंगे, जब ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि भाई देखो कितना ही ज्यादा लंबा है, और ये फोर चैनल अपना, और यहाँ पे इसकी कुछ सारी सेटिंग्स वगैरह है। अच्छा, मोनो की टक्कर का ये फोर चैनल एम्प है, देखो भाई कितना बड़ा है। तो भाई सारी चीज इसके बारे में बताएंगे, यहाँ पे अपनी पेटी रखी हुई है जो कि ये भी लगनी बाकी है, यहाँ पे ये देख सकते हो आप भाई, इसके लगा दिए गए कनेक्टर टाइप, और इसमें जो लगेंगे ना वो भी मैं आपको बाद में, देखो ये रहे, मतलब भाई कल को अगर जैसे हटाने हो तो हटा सकते हैं, पर इसमें लगाने हो तो देखो ऐसे करो इसको, और भाई ये अपने देखो लग गए, मतलब जैसे आपने डीजे में देखा होगा ना, फिर इसको ऐसे ऊपर करो और ये निकल गए। तो भाई देखो आउटपुट चालू हो चुका है, अभी भी काम रह रहा है, ये इसकी सेटिंग बाकी है, और भाई यहाँ से बैटरी वगैरह के तार अपने सारे कुछ लग चुके हैं, और यहाँ पे जो भाई जो अपने पिलर हैं फ्रंट के उनमें भाई जो पोर्ड कसे जा रहे हैं उसके बाद वो भी लगेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई जितनी भी वायरिंग है ना वो आपको सब ऐसे फैली फैली दिख रही होगी, पर दो मिनट के अंदर भाई ये सारी हो जाएगी एकदम क्लीन सेटअप, फिर दिखाऊंगा सही से भाई ये लगे हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और देख सकते हो कि यहाँ पे अपना भाई ये जो अपनी बैटरी लगी हुई है एमरोन की ये भी, और ये फ्यूज वगैरह सब भाई ये सब अभी क्लीन हो जाएगा, उसके बाद दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने ये भी लग चुके हैं भाई अवतार के हैं ये, जैसे कि आप देख रहे हो अपने ट्विटर। अभी आगे थोड़ा बहुत काम है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और
देखते जाओ भाई अभी अभी भी, मतलब भाई देखो टाइम हो चुका है 1 बज गया और अभी भी ये पूरा काम हुआ नहीं है, अभी भी रह रहा है भाई काफी ज्यादा। तो मिलते हैं इसके भाई फाइनल शॉट्स में। और अभी भाई यहाँ पे अपने वूफर लगने बाकी, जो अपनी सबसे ज्यादा मेन है, वो एक बार वो पोर्ड कस जाए भाई दोनों पिलर में, उसके बाद वूफर की इंस्टॉलिंग होगी, उसके बाद मैं आपको चेक कराता हूँ सही से। क्योंकि क्या भाई टाइम भी ज्यादा हो चुका है, अभी बहुत सी चीजें रह रही है, मतलब अभी भी बहुत सी तो क्या थोड़ी बहुत चीजें रह रही है, क्योंकि ये ना भाई जब तक क्लीन ना हो ना पूरा जब तक मजा नहीं आएगा। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई इसका जो आपको जो आउटपुट दिखेगा ना वो दिखेगा आपको नेक्स्ट लो में, क्योंकि इसमें छोटा सा इशू आता होगा जो कि हम शूट नहीं कर पाए, चक्कर क्या था भाई को बहुत लेट हो रहा था वो जाने वाले थे, लेकिन जो अगला व्लॉग आएगा बहुत ही अच्छा आउटपुट उसका आएगा एक नंबर, मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी ब्रेजा की टक्कर का सिस्टम हम आपको दिखाएगा भाई के नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं भाई के स्टाइल में। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय बाबा।